हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीव लाइफ विद पुनीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों? प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने कुकिंग का वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। एंड मैं अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। अब चलिए मेरे किचन में चलते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको अपने किचन में ले जाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने फ्रीज को यहाँ पर रखा हुआ है। मैंने फ्रीज के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह छुड़वा दी थी कि फ्रीज यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकूँ ताकि किचन में स्पेस रहे। और ये देखिए, ये है मेरा ग्लास का स्टार, ये है कैंडल होल्डर है, बट मैं इसके ऊपर अपने इस स्पून स्टैंड को रखती हूँ। इसमें जितने भी मेरे ये स्पून है, फोक है, वो सब मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। और ये है, ये जो मेरा है 4 बर्नर ग्लास गैस स्टोव है, ये ग्लास का है दोस्तों। इसकी वजह से इसकी क्लीनिंग मुझे दिन में 3 से 4 बार करनी पड़ती है, क्योंकि इस पर थोड़ा भी दाग रहता है तो वो दिखता है, ज़्यादा दिखता है। इसकी वजह से मैं दिन में इसे 4 से 5 बार क्लीन कर देती हूँ इसको, ताकि इसका जो शाइनिंग है ये शाइनिंग बना रहे। जी मेरे कुछ डेली रूटीन के सामान हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ इसको, इसकी वजह से मैंने इसको नीचे रखा है, ऊपर मैं नहीं लगा करके रखी हूँ। जी मेरा खल्लड़ है, अदरक कूचने वाला खल्लड़ है, और ये इसके साथ ही मैंने रखा है घी का एक बर्तन है, इसके अंदर मैंने घी रखा हुआ है। जी मेरा मिक्सचर जार है, मेरा ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर को मैं यहाँ पर रखी हूँ। यहाँ पे इसका स्विच है, इसकी वजह से मैंने इसको बीचों बीच में रखा हुआ है। जो मिक्सचर का जार है, मैं जार मिक्सचर के ऊपर ही लगा करके रखती हूँ, क्योंकि आसानी से हमें मिल जाए, इधर उधर मैं नहीं रखती हूँ इसको। ये देखिए मेरा मिक्सचर एंड मिक्सचर जार, ये मेरा रोटी रखने का डब्बा है, इसे मैं यहीं पर रखती हूँ। और ये मेरा चकला बेलन स्टैंड है, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये शायद 200 या 250 तक का मुझे पड़ा था, और काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मुझे इसका एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, इसकी प्राइस नहीं पता है मुझे, पर ये शायद 200 या 250 का था। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बर्तन स्टैंड है, मैंने इसे सिंक के ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि बर्तन धुलते वक्त मैं उसे तुरंत स्टैंड में ही रख दूँ, इधर उधर ना रखूँ। इधर उधर रखने से वो कुछ बिखरा बिखरा दिखता है, और तुरंत ही साफ करो, तुरंत उसे स्टैंड में लगा दो, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं किचन का प्लेटफॉर्म ढलवाते वक्त मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था, ताकि मेरा बर्तन स्टैंड यहाँ पर अच्छी तरीके से आ जाए, ताकि मैं बर्तन साफ़ करूँ और तुरंत उसे स्टैंड में लगा दूँ। जितना भी पानी उसके अंदर है वो खुद से ही सिंक के अंदर गिर के और वो सूख जाए। ये मेरे डेली रूटीन के मसालों के डब्बे हैं, जो मैं डेली खाना बनाते वक्त इन सभी का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने इसे आगे रखा है, जिससे मैं इसे आसानी से पा सकूँ और यूज़ कर सकूँ। सारे कप्स को मैंने पीछे रखा है, जितने भी मेरे कप्स हैं, मग हैं एंड हैंड ग्राइंडर है, सबको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ कटोरियों को भी मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, ताकि स्टैंड में कटोरियों को निकालना थोड़ा दिक्कत होता है, इसकी वजह से मैंने इसे सामने रख दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जी मैंने फ्लिपकार्ट से ये स्टिकर ऑर्डर किया था, और मैं मुझे लगा कि मैं किचन के फ्रंट पे लगाऊंगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाकई में ये ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उसके जस्ट बगल में एक वॉच लगा कर रखी हूँ, जिससे कि मुझे टाइम पता चलता रहे कि कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि बच्चों का वैन आता है तो मैं टाइम देख कर ही आधे घंटे के अंदर उनका जो लंच बॉक्स है वो तैयार कर देती हूँ। बर्थडे पार्टियों में यूज़ होने वाला, जैसे हम बर्थडे पार्टी कर रहे हैं बच्चों का, 50-60 आदमियों का खाना बनाने के लिए, वो सारे बर्तन को मैंने सबसे मैंने ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में लगा के रखा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आप सभी को मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।